ये एफए का फिफ्थ लेसन है, फॉरेन करेंसी अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ब्रांचेस हम लोग बोल सकते हैं। ये लेसन स्टार्ट भी इसी वीडियो में होगा और एंड भी इसका इसी वीडियो में होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा बढ़ा जाएगा, अभी आप सोच लो कितना टाइम तक जाएगा, वीडियो थोड़ा बढ़ा जाएगा, बट हम लोग ये लेसन यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। पहले तो आपको थोड़ा बहुत थ्योरी पता होना चाहिए। अ ब्रांच इज अ लोकेशन अदर देन मेन ऑफिस वेयर अ बिजनेस इज कंडक्टेड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच विच इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन IFO, एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच नोन एज नॉन इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन NFO, ठीक है। इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन IFO होता क्या है? डिपेंडेंट ब्रांच आर दोज ब्रांच विच आर फुल्ली गवर्न बाय हेड ऑफिस, मतलब नाम से ही पता चलता है वो टोटली डिपेंड होता है अपने हेड ऑफिस पे। जो भी अगर कोई भी काम है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, वो ऑथराइज मतलब जो भी रहते हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह, वो अपने हेड ऑफिस को फॉलो करता है। जनरली डोमेस्टिक ब्रांचेज आर कॉल्ड एज डिपेंडेंट ब्रांचेज। डोमेस्टिक मतलब उसी एरिए के अंदर से जो होता है ना हमारा, वही इंडिया के अंदर ऐसा मतलब डबल वैसा। ये डिपेंडेंट मोस्टली कहाँ पर होता है? डोमेस्टिक ब्रांचेज होते हैं जो उसी कंट्री के अंदर होता है, ठीक है। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन NFO। इंडिपेंडेंट ब्रांचेज आर दोज विच हैव द ओन डिसीजन पावर अप टू सर्टन लिमिट्स, मतलब टोटली बट सर्टन लिमिट्स तक वो लोग के पास डिसीजन पावर्स हैं। कि अगर हम लोग कहीं आउट ऑफ मीन्स कोई दूसरे कंट्री में हम लोग ने समझो कैफे खोला है, तो जो वहाँ की जो ब्रांच है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो डिशेस सिलेक्ट कर सके कि मतलब यहाँ पे ये डिश ज़्यादा चलेगी, बट वो लोग उसके रेट डिसाइड नहीं कर सकते। रेट कौन डिसाइड करेगा? जो हेड ऑफिस है वो डिसाइड करेगा। इसके बोले अप टू सर्टेन लिमिट उसके पास क्या डिसीजन पावर्स है। ब्रांच अकाउंटिंग में हम लोग करना क्या है? ब्रांच अकाउंटिंग इज अ बुक कीपिंग सिस्टम इन विच सेपरेट अकाउंट्स आर कैप्ट फॉर ईच ब्रांच। हर ब्रांच के लिए सेपरेट अकाउंट होता है। इट प्रोवाइड्स बेटर अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल सिंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी कैन बी क्लियरली ट्रैक। मतलब जो भी हम लोग अलग अलग रहेगा सब प्रॉपरली हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। और क्या दिया हुआ हम लोग को इसकी थ्योरी में? अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांच इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट ब्रांच लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन द अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन एंड डोमेस्टिक एंड फॉरेन ब्रांचेस आर द करेंसी डिफरेंस अराउंड द वर्ल्ड। इसमें हम लोग क्या कुछ ये लेसन बहुत सिंपल है। हम लोग ने जो एफ ए थर्ड में हम लोग ने मतलब थर्ड सेम में जो किया था एफ ए, उसमें भी हम लोग को था। हम लोग को इसमें क्या करना रहता है जो ये लेसन में जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि हम लोग को जो अमाउंट दिया जाएगा, जैसे अगर हम लोग को यूपीज में दिया गया, हमारा जो हेड ऑफिस है वो है इंडिया में और जो हमारा ब्रांच है वो है फॉरेन में, तो हम लोग को फॉरेन का जो करेंसी डॉलर्स है उसको इंडियन रुपीस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। बट उसको कौन से रेट पे करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम लोग को देखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उसको कैसे हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे क्या बोला था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज एट विच रेट ट्रायल बैलेंस। हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते, एक तो हम लोग के पास पहले से ट्रायल बैलेंस होता है, वो होता है ब्रांच का। वो अगर आउट ऑफ इंडिया है तो हम लोग डॉलर्स का अमाउंट उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मॉडरेट फ्लक्चुएशन रेट यहाँ पे दिया हुआ है, जिस वेयर द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट बिटवीन अ सर्टेन लिमिट, ओके। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यही चीज़ ध्यान रखनी, थ्योरी में जो भी पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज, कौन सा चीज़ कैसे ट्रीट करना है। ओपनिंग स्टॉक एक्सचेंज रेट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, जो भी उसका रेट है स्टार्टिंग में, और ये सारे चीज़ सारे रेट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। बिगनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक, करंट एसेट, करंट एसेट में आपका क्या, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, करंट लाइबिलिटी, आपके पास लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग वगैरह जो भी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर, और वही फिक्स एसेट पे और जो डेप्रिसिएशन है उस पर कैसे करेंगे। अगर इंटीग्रल बोला है क्वेश्चन में, बोलेगा कि आपको इंटीग्रल ब्रांच बनाने का, उसका आपको पास करने का एंट्रीज, तो आपको वेट एट द टाइम ऑफ परचेज फिक्स असेट का, एंड नॉन इंटीग्रल में क्लोजिंग वेट मतलब ईयर एंड का जो रेट रहेगा आपको वो लेना रहेगा। ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम, परचेज, सेल्स, कौन से रेट पे लोगे, एवरेज रेट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और अगर नहीं दिया है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई
टू. और हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट्स टू बी कंसिडर द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस आफ्टर कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसी इनटू लोकल करेंसी इज कॉल्ड एज डिफरेंस इन एक्सचेंज. ठीक है, उसको क्या बोला, डिफरेंस इन एक्सचेंज. और ये जो डिफरेंस इन एक्सचेंज होता है, मे बी प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा. क्रेडिट पे है तो प्रॉफिट है, डेबिट पे है तो लॉस है. द प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर ये इंटीग्रल डिपेंडेंट ब्रांच है तो. और वही अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो इसका जो प्रॉफिट या लॉस है वो क्या करोगे आप, कहाँ पे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे, नेट प्रॉफिट के अंदर या. ओके, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन ब्रांच इज ऑफ इंटीग्रल टाइप. अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो आपको इंटीग्रल टाइप का ब्रांच अकाउंट बनाने का है. सो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. आप क्वेश्चन चीट एक बार स्क्रीनशॉट करके बाजू में ले लो. ठीक है, इसका भी मैं क्वेश्चन सामने रख के डायरेक्टली आपको इसका सॉल्यूशन के साथ मैच करवाती हूँ. आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस है. ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे रेट दिया हुआ है. देखो ओपनिंग है, क्लोजिंग का रेट है एंड एवरेज रेट दिया हुआ है रुपीज़ में, क्योंकि हम लोग का ये जो ब्रांच है वो है वॉशिंगटन में और जो इसका हेड ऑफिस है वो कहाँ पर, हमारे इंडिया में है. वेजेस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है $1,000. अब दो चीज़ होती है, आप या तो दिमाग में डाल लो रट्टा मारो या तो समझ लो. ठीक है, एक तो आपको ये सब चीज़ को कन्वर्ट करना है और दूसरी बात, ये जो आपके पास गुड्स फ्रॉम इंडियन कंपनी मतलब जो HO है कितना, $80,000 का है. तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 39,40,000. तो ये आपका डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे. यहाँ पे आपका कोई रेट यूज़ नहीं होता. दूसरा कहाँ पे होता है, यहाँ पे आपको दिया है हेड ऑफिस शोज एन अमाउंट ऑफ 43 लाख ड्यू फ्रॉम ब्रांच. ये यहाँ पे आपको कहीं पे नहीं दिए, आपको इसको डायरेक्टली आपको ट्रांसफ़र करना है ट्रायल बैलेंस में ये अमाउंट के साथ. यहाँ पे इसका जो डॉलर्स वाला अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कोई वेट नहीं लेने का, डायरेक्टली 43 लाख रुपीज़ लिखना है. मैं सम सॉल्व किया इन द बुक्स ऑफ ABCD लिमिटेड ब्रांच ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 सितंबर 2017, ईयर एंडिंग का डेट है. सॉरी, अब आपका जो होता है ट्रायल बैलेंस कैसे फॉर्मेट बनता है, यहाँ पे डेबिट है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. पहले डॉलर्स जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रेट का कॉलम बनेगा, रुपीस का कॉलम बनेगा, दोनों सेम है. जो भी डेबिट का अमाउंट है, डेबिट में जो जो रुपी डॉलर का अमाउंट दिया हुआ है, जो जो कंटेंट दिया हुआ है, सब इधर आ गया है. और मेरा क्रेडिट का सब यहाँ पे आ गया है. अगर आप यहाँ पे देखोगे क्रेडिट कितना, मेरे पास 1, 2, 3 यहाँ पे भी है, मेरे पास 1, 2, 3. ठीक है, अब मेरा जो प्लांट एंड मशीनरी है ये मैंने लिया है. क्वेश्चन ने क्या बोला है, कुछ बोला है मेरे को इंटीग्रल है या कुछ बोला है, यहाँ पे आप देखो तो नहीं, इंटीग्रल वगैरह कुछ नहीं बोला है. यहाँ पे एक पार्ट है क्वेश्चन का, यहाँ पे हम लोग को बोला हुआ है हम लोग क्या करना है, डॉलर्स इंटू रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और हम लोग को यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाना है. यहाँ पे क्या बोला, एज्यूमिंग दैट द फॉरेन ऑपरेशन इज इन द नेचर ऑफ इंटीग्रल ऑपरेशन. ठीक है, सो इंटीग्रल में हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग सेम वे में करने वाले. हम लोग को फिक्स एसेट के लिए क्या बोलता है, या तो हम लोग को परचेस रेट लेने को बोला है या तो क्लोजिंग. परचेस रेट हम लोग को इंटीग्रल में बोला है, नॉन इंटीग्रल में हम लोग क्लोजिंग बोला है. तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 10% पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ है. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दिया हुआ है 1 सितंबर व्हेन फिक्स एसेट व परचेस रेट ऑफ एक्सचेंज कितना 38. तो फिक्स एसेट मेरे पास दो है, प्लांट एंड मशीन दोनों ही, तो मैंने 38 ले लिए. ठीक है, हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, डीपली सॉल्व करेंगे. यहाँ पे 38 आ गया. दूसरा मेरे पास था स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक October 1st, 2016 अगर आप देखोगे अच्छे से, 56 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, 56. 39 मैंने इसका रेट लिया है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है, तो ऑफकोर्स ओपनिंग पे वैल्यू करेंगे. यहाँ पे मैं आप देख सकते हो ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है. यहाँ पे कितना आ गया अमाउंट, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. परचेज को परचेज एक्सपेंसेस सेल्स इनकम हम लोग किस पे वैल्यू करने का है, एवरेज रेट पे. तो मैं एवरेज रेट 40 था, यहाँ पे मैं 40 एवरेज रेट आ गया है. गुड्स फ्रॉम HO 80,000 दिया हुआ है, बट मैं आपको क्या बोला था, यहाँ पे जो अमाउंट दिया 39,40,000 वो मैं यहाँ पे आ गया. वेजेस और एक्सपेंसेस बोला था, तो ये भी मैं एवरेज रेट पे आ गया. कैरिज इनवर्ड सेम एवरेज रेट,
आते हैं हम लोग के पास यहाँ पे ट्रेड डेटर्स, कैश इन बैंक एंड कैश इन हैंड। ये आता है हमारा करंट असेट में। करंट असेट को हम लोगों ने किस पे वैल्यू करने बोला था? क्लोजिंग रेट पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोजिंग रेट पे वैल्यू किया, मल्टीप्लाई करना है। सेम वे यहाँ पे आते क्रेडिट साइड में, मेरे पास सेल्स है, मैं इसको किस पे वैल्यू करूँगी? एवरेज रेट पे। एचओ का जो दिया हुआ डायरेक्टली अमाउंट लिया मैंने 43 लाख रुपीस का, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड क्रेडिटर्स को मैंने क्या किया है, इसको वैल्यू किया है क्लोजिंग पे, ठीक है। सो सबसे मेन चीज़ हम लोगों को क्या रहता है इस ये लेसन में, कि हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस मैंने बनाया, मेरे को यहाँ पे आया 2,23,38,000 कुछ आया है मेरे को यहाँ पे अमाउंट, पर मेरा यहाँ का अमाउंट कितना है 21,637,000 सर, 2,16,37,000 है, ठीक है। मैंने माइनस किया, मेरे को डिफरेंस कितना मिला, 7,01,000। मैंने आपको क्या बताया था, ये होता है हमारा एक्सचेंज डिफरेंस या डिफरेंस इन एक्सचेंज आप लिख सकते हो। क्रेडिट साइड में आया मतलब मेरा प्रॉफिट है, तो मेरा प्रॉफिट इंटीग्रल है, तो मेरा किधर जाएगा, मैं इसको लिखूंगी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और आप मतलब मैंने एक ही आपके एडजस्टमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो इसको मैं अभी खींच के लेके जाऊंगी। क्या करूंगी मैं इसको, आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो मैं ऐड करके लिख दूंगी। और फिर आउटस्टैंडिंग दूसरा इफेक्ट कहाँ पे होता है, क्रेडिट साइड पे मतलब लाइबिलिटी साइड पे होता है, तो मैं क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगी वो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहले मैं आके ऑफिस इक्विपमेंट आपको अच्छे दिख रहा होगा, आई होप सो।
ऑफिस इक्विपमेंट कितना है? 48,000। हाँ बट यहाँ पे मैं कुछ बोला है ऑफिस इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन बोला है कितना? 10%। तो मेरा ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे है 48,000 लेस डेप्रिसिएशन, मेरे को कितना मिला? 43,200। यहाँ पे मैंने लिखा 43,200। मैंने क्या किया है, ट्रायल बैलेंस में ही सारे एडजस्टमेंट पुट ऑन कर दिए और फिर उसके बाद आंसर निकाला है। और मैं इसको कौन से रेट पे लूँगी, मेरे को इधर बोला था जो भी मेरा है कितना क्लोजिंग रेट कितना है 50 है, ठीक है, और फिक्स असेट का परचेज कितना 43 पे। और ये हम लोगों क्या बोला, ये कौन सा है, इंटीग्रल है कि नॉन इंटीग्रल है? नॉन इंटीग्रल है। तो नॉन इंटीग्रल पे हम लोग फिक्स असेट को किस पे लेते हैं? क्लोजिंग पे लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने फिक्स असेट को किस पे लिया? क्लोजिंग पे। अब इसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 4,800 का, वो भी यहाँ पे आ गया। डेप्रिसिएशन भी हम लोग क्लोजिंग पे लेते हैं 50। फर्नीचर के टाइम पे क्लोजिंग पे लिया मैंने, फर्नीचर को भी 10% डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन 10% अमाउंट दोनों अलग अलग लिखा है मैंने। और सेम वे हम लोग परचेज को भी किस पे लिया? परचेज हमारा एवरेज पे गया है। और ये जो गुड्स फ्रॉम एचओ है, जैसे मैं आपको बताया इसका अमाउंट डायरेक्टली गुड्स वाला जो एचओ वाला जो अमाउंट रहता है वो हम लोग को हमेशा कैपिटल एंड जो ये वाला रहता है हम लोग को हमेशा, अगर मेरा कंपनी है डॉलर्स वाला आउट ऑफ जो ब्रांच है वो आउट ऑफ इंडिया है तो मेरे को उसका अमाउंट इंडियन रुपीज में दिया जाएगा कंपल्सरीली। तो मैं डायरेक्टली इंडियन रुपीज में मैंने अमाउंट लिख दिया। सैलरीज में क्या करती हूँ, उस पर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ एडजस्टमेंट ऐड करती हूँ, तो मैंने ऐड कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर एडजस्टमेंट निकाला है, मतलब जो अमाउंट है वो निकाला है। सेम वे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली, जो मेरा डेटर्स कैश एट बैंक कैश इन हैंड ये मेरा क्लोजिंग पे गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा सेल्स पे, सेल्स मेरा किस पे गया? एवरेज पे गया है। हेड ऑफिस का मैं टोटल अमाउंट पहले से दिया हुआ था। क्रेडिटर्स मैंने क्लोजिंग पे लिया है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मैंने क्लोजिंग पे लिया है 400, बिकॉज आउटस्टैंडिंग सैलरीज मेरे को दी हुई थी। एक्सचेंज डिफरेंस मैंने कैलकुलेट किया, मेरे को मिला 4,66,800। यहाँ तक आपका ट्रायल बैलेंस बन गया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, नॉर्मली जैसे हम लोग सॉल्व करते वैसे अब आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, अब डायरेक्टली सॉल्व करना है। ये आपका है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st 2017। ओपनिंग है, परचेज है, कैरिज इनवर्ड है, गुड्स सेंड फ्रॉम एचओ, ठीक है। अमाउंट क्लियर है आपको? यस, ठीक है। बाय सेल्स है आपके पास अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे नॉन इंटीग्रल है, इसके लिए जब आप इधर आते हो प्रॉफिट एंड लॉस में तो जो अमाउंट जो जैसे जैसे हम लोग लिखते हैं सैलरीज वेंट रेट्स इंश्योरेंस ट्रेड एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन वो मैं एज इट इज आ गया, नेट प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया। और ये जो मैं एक्सचेंज डिफरेंस था वो कहाँ गया? मेरा बैलेंस शीट में गया है वो चीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सचेंज डिफरेंस 4,66,800, ठीक है। यहाँ पे मैं एचओ है, नेट प्रॉफिट मैंने ऐड किया है, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग सैलरीज। और यहाँ पे जो जैसे ये एक और क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 12, अगर आपके पास बुक्स है तो आप एक बार इसको गो थ्रू करो, क्वेश्चन देख के मैं आपको आंसर का सॉल्यूशन एक बार दिखा देती हूँ जो मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। आप देख लो एक बार अच्छे से, आप इसको खुद से सॉल्व करो, चेक करो, इसके बाद आपको दिखाती हूँ कौन सा वाला पार्ट। ये है मेरा बैलेंस शीट, ठीक है। ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 20, पुणे ब्रांच। मेरा ब्रांच है पुणे में और कंपनी आउट ऑफ इंडिया है, तो मेरे को रुपीज से डॉलर्स में अमाउंट करने का है। तो इसमें हम लोग क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो सेम क्लोजिंग दिया हुआ है आपको पुणे ब्रांच का, जो एक अमाउंट दे दी है जो मैं आपको बोली थी जो हमेशा मिलता है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर फिक्स्चर का अमाउंट दे दिया है, ठीक है। परचेज इस अमाउंट पे की, तो यही अमाउंट आपको डायरेक्टली लिखना है, डॉलर्स है जो भी अमाउंट है डॉलर्स दी है। एंड फिर यहाँ पे हमें क्लोजिंग एक्सचेंज रेट दिया है, ओपनिंग का क्लोजिंग का एवरेज दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं, तो ये आपका क्या इंटीग्रल है, आपका हेड ऑफिस कहाँ पे? यूके में है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने एज इट इज ले ली, ठीक है। हम लोग को जो अमाउंट है रेट है एक्सचेंज रेट वो हम लोग किस में दिया हुआ है? पॉइंट्स में दिया हुआ है। आते यहाँ पे हमारे ट्रायल बैलेंस पे, मैं क्या करूँगी, मैं सारे रुपीज़ ले लिए, आपको मालूम है कौन सी चीज़ पे कौन सा रेट जाता है, ठीक है। अब
उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 37,800 डिवाइड बाय 67.50, 560 आपका अमाउंट आएगा। सारी चीज़ों डिवाइड कर दो एज इट इज़, जैसे हम लोग क्वेश्चन किए वैसे हम लोग डिवाइड करें। ये वीडियो में आपका ये लेसन ख़त्म हो गया। आपको एग्जाम के दिन पूरा साल भर का पोर्शन लेने की जरूरत नहीं है, एक घंटा मैक्स जो मैं सबका लेसन ख़त्म, एक लेसन ख़त्म, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब मेरे को मालूम है कोई पूरा एक घंटा आप लोग बैठ के देखने नहीं वाले हो, मूव ऑन करोगे, कर लो पर समझ लो, ओके। वीडियोज़ एक्चुअली में मैंने पॉज कर दिया था, नहीं बनाने वाली थी, बट मुझे बहुत लोग ने बोला कि उनको आगे के वीडियोज़ चाहिए, तो आई थॉट एक ही बार मैंने आपको एक बार डीप एक्सप्लेनेशन दे के वीडियोज लेसन जो है आपका वाइंड अप करती हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लोग ने उसके बाद क्या किया, ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बनाया है। ट्रेडिंग है यहाँ पे उसका प्रॉफिट एंड लॉस, एंड नीचे ही मैंने बैलेंस शीट लिया। आप इतनी कंजूसी मत करना एक पेज वाली, बिकॉज आपके एग्जाम में अगर आप ऐसा करोगे तो मार्क्स भी आपको उतना वैसे ही मिलेगा, कंजूसी मत करना, ठीक है। तो आप देख सकते हो नॉर्मली मेरे सारे आंसर कैसे आए, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा डिफरेंस एक्सचेंज आ गया, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक बस। फिर सेम वे क्वेश्चन नंबर 21 था, इलस्ट्रेशन नंबर 21, ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक्सचेंज डिफरेंस मेरे को यहाँ पे नहीं यहाँ पे आया है, आप देखोगे तो मेरा एक्सचेंज डिफरेंस यहाँ पे आया है, डेबिट में आया है, तो ये मेरा लॉस वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग स्टॉक का क्या किया, मैंने नीचे लिख लिया इसका वेट अमाउंट वगैरह जो भी है। सो क्या मेरे को, और एग्ज़ाम के टाइम पे ये चीज़ याद रखना जो मैंने यहाँ पे मिस की है, कि यहाँ पे मेरे को डॉलर्स में जो अमाउंट था, यहाँ पे जो हम लोग किया ये डॉलर्स वाला अमाउंट इधर मैंने लिखा है, बट ये आपको डॉलर्स में दिया हुआ नहीं है, ये दूसरा अमाउंट है। आप देखोगे इसका साइन यूरो का है जो भी है, तो आपको वही साइन बनाने का है, ठीक है। इस पर भी आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसको भी एक बार देख लो, खुद से सॉल्व करना। मैंने और इसका मैंने भी एक पेज पे सब ख़त्म किया है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड योर बैलेंस शीट, सिंपल है। इलस्ट्रेशन में 22 लास्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया इस लेसन में, सिमिलर है, मैं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक चीज़ अलग थी कि आपको क्या बोले, अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक जो है वही आपका क्या क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे समझने में पूरा दिन निकल गया, आप लोग ऐसा मत करना, आपको मैंने बता दिया इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक ही चीज़ में मैंने ख़त्म कर दी है, यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड माय बैलेंस शीट। सो आई होप आपको ये लेसन, आप जो 11 से करते आए आपको टोटल वही करना है, जस्ट ट्रायल बैलेंस था जो मैंने आपको बता दिया, आपके कन्फ्यूजन्स दूर कर दिए, ओके। सो यर वी हैव कम्प्लीटेड विद दिस लेसन। ये लेसन को आपको आधा घंटा, एक घंटा भी लगा, आधे घंटे में आपका ये लेसन हो गया, ओके। सो गो इट थर्ली, मैंने जैसा आपको मैंने समझाया, अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो ये लेसन आपके लिए बहुत इजी है।